नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी गांव में रहते हैं और गांव में रहकर ही पैसा कमाना चाहते हैं तो गांव में घर बैठे हर महीने 10 से 50 हजार कमाने का फॉर्मूला बताएंगे। आज के समय में आपको बहुत ऐसे तरीके एवं विकल्प मिलते हैं जिसके द्वारा आप गांव में रहकर घर बैठे बहुत ही आसानी से पैसे कमा सकते हैं, अर्थात अब गाँव में रहने वाले लोग भी गाँव में रहकर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि आज के समय में पैसा कमाना बहुत ही जरूरी हो चुका है, इसलिए गांव में रहने वाले लोग पैसे कमाने हेतु शहर जाकर मजदूरी करते हैं जिससे उनकी थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है। लेकिन अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आपको कई तरीके मिलते हैं जिसके द्वारा से आप गांव में रहकर भी कमाई कर सकते हैं, अर्थात गांव में रहने वाले लोगों को अब पैसे कमाने हेतु शहर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि गांव में रहकर भी वह अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर से देखें। चलिए अब हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम आपको बताते हैं गांव में घर बैठे पैसे कैसे कमाए जाते हैं। गांव में घर बैठे पैसे कैसे कमाएं? गांव में घर बैठे पैसे कमाने हेतु आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के तरीके मिलते हैं। यदि आप थोड़े पढ़े लिखे हैं तो आप ऑनलाइन तरीके का उपयोग गाँव में घर बैठे पैसे कमाने हेतु कर सकते हैं, और यदि आप कम पढ़े लिखे हैं और आपको ऑनलाइन के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं है तो फिर आप ऑफलाइन तरीके के द्वारा गांव में घर बैठे पैसे कमाने की ओर जा सकते हैं। आज हम आपको ऑनलाइन तरीके तथा ऑफलाइन तरीके दोनों के बारे में बताएंगे जिसके द्वारा आप गांव में घर बैठे पैसे कमा सकेंगे। आज हम आपको जितने भी ऑनलाइन तरीके तथा ऑफलाइन तरीके के बारे में बताएंगे उसमें से किसी भी एक तरीके को फॉलो करके अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन यदि आप थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं तो फिर मेरा सुझाव आपके लिए यह होगा कि आप ऑनलाइन तरीके की ओर जाएं, क्योंकि ऑफलाइन तरीके के कंपेयर में आपको ऑनलाइन तरीका बहुत सारे मिलते हैं और साथ ही हर एक ऑनलाइन तरीके के द्वारा घर बैठे लाखों रुपए भी कमाए जाते हैं जो ऑफलाइन तरीके से नहीं कमाए जाते। गांव में घर बैठे पैसे कमाने हेतु जरूरी चीजें। गांव में घर बैठे पैसे कमाने हेतु चाहे वह ऑनलाइन तरीके के द्वारा से हो या ऑफलाइन तरीके के द्वारा से हो, इन दोनों तरीके से पैसे कमाने हेतु आपके पास कुछ कुछ चीजों का होना अत्यंत जरूरी होता है। ऑनलाइन तरीके के द्वारा गांव में घर बैठे पैसे कमाने हेतु छह जरूरी चीजें। एक स्मार्टफोन या फिर एक अच्छा लैपटॉप या एक अच्छा कंप्यूटर। घर में एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आपका खुद का एक बैंक अकाउंट। आपका एक आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। एक मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। आपका ईमेल आईडी भी लगेगा। अब जानते हैं ऑफलाइन तरीके के द्वारा गांव में घर बैठे पैसे कमाने हेतु तीन जरूरी चीजें। आपके पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट हेतु पैसे होने चाहिए। आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसके द्वारा से ही आप गांव में घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। चलिए अब हम मेन मुद्दे की ओर चलते हैं जो कि है गांव में घर बैठे पैसे कैसे कमाए जाते हैं, इसके बारे में अच्छे से समझना। ऑफलाइन गांव में घर बैठे पैसे कमाने के छह तरीके। तो चलिए बात करते हैं कि वह कौन कौन से ऑफलाइन तरीके हैं जिसके द्वारा गांव में घर बैठकर भी पैसे कमाए जा सकते हैं। शहद बेचकर। यदि आप गांव में रहते हैं और गांव में घर बैठकर ऑफलाइन तरीके के द्वारा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प शहद बेचना हो सकता है। अभी के समय में एक लीटर शहद का मूल्य 1000 से अधिक है। यदि आप दिन के 2 लीटर या 5 लीटर शहद भी बेचते हैं तो आपकी एक दिन की कमाई 2000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक या इससे भी अधिक हो सकती है। लेकिन शहद बेचने के लिए आपके पास शहद का होना अत्यंत जरूरी है, और शहद प्राप्त करने के लिए आपको मधुमक्खियों का पालन करना होगा। अभी के समय में बहुत लोग मधुमक्खियों को भी बेचते हैं। यदि आपके पास मधुमक्खियों को खरीदने हेतु कुछ बजट है तो आप मधुमक्खियों को खरीदकर कार्बनिक मोम तथा मधुमक्खियों का पालन करने वाला डिब्बा में आप मधुमक्खियों का पालन पोषण करें, और जब मधुमक्खियों का पालन पोषण करते करते आप मधुमक्खियों के द्वारा 5 से 6 लीटर शहद की व्यवस्था कर लेते हैं, उसके पश्चात आप मार्केट में शहद बेचकर अच्छे खासे मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस प्रकार आप शहद बेचकर पैसे कमा सकते हैं। सब्जी बेचकर। गांव में अक्सर लोग पैसे कमाने हेतु कुछ ना कुछ व्यापार करते हैं, और उन सारे व्यापार में सब्जी बेचना भी एक है। यदि आप भी गांव में रहते हैं और गांव में रहकर सब्जी की खेती करते हैं तो सब्जी बेचकर भी आपकी कमाई अच्छी खासी हो सकती है, क्योंकि अभी के समय में सब्जियों का मूल्य बहुत ही ज्यादा है। और यदि आप अभी के समय में सब्जियों की खेती करते हैं तो अभी के समय में सब्जियों का मूल्य, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ही ज्यादा है। तो आप सब्जियों को मार्केट में बेचकर भी अच्छे खासे मुनाफा कमा सकते हैं,
और यह गांव में घर बैठकर ऑफलाइन तरीके द्वारा पैसे कमाने का दूसरा सबसे सरल और आसान तरीका है। इसमें आपको मेहनत करने की आवश्यकता होती है, परंतु सब्जियों की खेती करते वक्त ही उसके पश्चात भी थोड़ी बहुत मेहनत करने की आवश्यकता होती है। और जब एक बार सब्जियों की फसल अच्छा होता है तो आपने जितनी भी मेहनत सब्जियों की खेती करने में लगाया है उससे ज्यादा आपको मुनाफा प्राप्त होगा। दुकान खोलकर, आप गांव में किसी प्रकार का भी दुकान खोलकर पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि गांव में व्यापार करने हेतु ज्यादा लोगों के पास पैसे नहीं होते, इसलिए गांव में दुकान की समस्या होती है। यदि आपके पास अच्छे खासे बजट है तो आप एक किराना दुकान अपने गांव में खोलकर घर बैठे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अभी के समय में कई ऐसे लोग हैं जो घर में ही किसी प्रकार का दुकान खोलकर मुनाफा कमा रहे हैं। यदि आप भी घर पर रहना पसंद करते हैं और घर पर रहकर ही पैसे कमाना चाहते हैं तो आपके लिए भी दुकान खोलकर पैसे कमाने का तरीका एक अच्छा तरीका हो सकता है। ट्यूशन पढ़ाकर, यदि आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और आपके पास अच्छा खासा क्वालिफिकेशन डिग्री भी है तो आप अपने ही गांव में एक छोटा मोटा ट्यूशन क्लासेस ओपन कर सकते हैं, जिसमें ज्वाइन होने वाले प्रत्येक स्टूडेंट से आप फीस के रूप में कुछ पैसे चार्ज कर सकते हैं, जिससे आपकी कमाई हो सकती है। जैसे कि आपको पता ही है कि गांव में एजुकेशन बहुत ही कम है, इसलिए यदि कोई टीचर गांव में अपना कोचिंग क्लास ओपन करते हैं तो उसमें ज्यादा मात्रा में स्टूडेंट एडमिशन करवाते हैं, जिससे टीचर की कमाई अधिक होती है। यदि आप भी एक एजुकेटेड इंसान है और आपके पास भी अच्छे खासे क्वालिफिकेशन डिग्री है तो आप भी अपने ही गांव में एक अच्छा ट्यूशन क्लास ओपन कर सकते हैं, जिसमें ज्वाइन होने वाले व्यक्तियों से आप पैसे ले सकते हैं, जिससे आपकी कमाई हो सकती है। तो यह एक अच्छा तरीका हो सकता है घर बैठकर पैसे कमाने का। फल बेचकर, आपको तो मैंने ऊपर ही बताया कि गांव में बहुत तरह की खेती की जाती है, जिसमें से फल की खेती भी एक है। यदि आप भी जल्दी उत्पन्न होने वाले फल की खेती करते हैं तो आप उस फल को मार्केट में बेचकर अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं, क्योंकि अभी के समय में फल का भी मूल्य तेजी गति से बढ़ रहा है, इसलिए आप फल की खेती करके फलों को मार्केट में बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। दूध बेचकर, गांव में रहने वाले लोग गाय भैंस का पालन पोषण जरूर करते हैं। यदि आपके भी घर में गाय भैंस का पालन पोषण किया जाता है तो अभी के समय में गाय एवं भैंस का दूध बहुत ही मूल्यवान है। यदि आप अपने गाय और भैंस से दूध की प्राप्ति करते हैं और उसे मार्केट में बेचते हैं तो इससे भी आपकी कमाई अच्छी खासी हो सकती है, और बहुत लोग ये कार्य करके अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार आप भी कमा सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में दूध का दाम बढ़ेगा ना कि घटेगा। ऑनलाइन के द्वारा गांव में घर बैठे पैसे कमाने के 6 तरीके, तो आप जानते हैं 6 ऑनलाइन तरीके के बारे में बताएं जिसके द्वारा आप गांव में घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन कौन से 6 ऑनलाइन तरीके हैं जिसके द्वारा से गांव में घर बैठे भी पैसे कमाए जा सकते हैं। 1. यूट्यूब। अभी के समय में लोग घर बैठे ऑनलाइन के द्वारा से पैसे कमाने हेतु अपना यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं। यदि आपको भी वीडियो बनाने का शौक है तथा वीडियो बनाकर पैसे कमाने का भी शौक है तो आपके लिए यूट्यूब एक बहुत ही बढ़िया विकल्प हो सकता है। 2. ब्लॉगिंग। आप गांव में घर बैठे ऑनलाइन के द्वारा पैसे कमाने हेतु ब्लॉगिंग भी शुरू कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको कुछ पैसे इन्वेस्ट करके होस्टिंग को परचेस करना होता है, या फिर आप चाहे तो फ्री प्लेटफॉर्म जिसका नाम ब्लॉगर है, जो गूगल का ही है, इसमें भी आप ब्लॉगिंग करना शुरू कर सकते हैं। ब्लॉगिंग में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें बस आपको आर्टिकल लिखना होता है उस कैटेगरी में जिस कैटेगरी के प्रति आपके पास नॉलेज हो, उसके बाद अपने द्वारा लिखे गए आर्टिकल को SEO करके गूगल में पब्लिश करना होता है। 3. एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग भी एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है ऑनलाइन के द्वारा घर बैठे पैसे कमाने का, क्योंकि यह तरीका विदाउट इन्वेस्टमेंट का है। अर्थात एफिलिएट मार्केटिंग करने हेतु आपको 1 रुपये का भी इन्वेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। आप विदाउट इन्वेस्टमेंट के द्वारा एफिलिएट मार्केटिंग करके महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि ऐसे लाखों एफिलिएट मार्केटर हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग के द्वारा से घर बैठे लाखों रुपए कमा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार आप भी एफिलिएट मार्केटिंग करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। बस एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए आपको किसी भी एक ई कॉमर्स कंपनी के एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करना होता है। 4. रिसेलिंग बिजनेस। घर बैठे ऑनलाइन के द्वारा पैसे कमाने हेतु आप रिसेलिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यह एक विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। इसमें आपको 1 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। बस रिसेलिंग व्यापार शुरू करने के लिए आपको रिसेलर कंपनियों के साथ जुड़ना होता है, जिसमें जुड़ने के बाद आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, जिसमें आपको अपना मार्जिन प्राइस ऐड करके उसे सेल करवाना होता है, जिसके बाद आपको अपना मार्जिन प्राइस मिलता है। 5. तरीका है फ्रीलांसिंग।
यदि आपके पास एक ऐसा स्किल है जो मार्केट में बहुत ही डिमांड में है, तो फिर उस स्किल से आप फ्रीलांसिंग शुरू करके घर बैठे ऑनलाइन के द्वारा अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अभी के समय में हर एक व्यक्ति के पास किसी न किसी प्रकार का स्किल होता है। यदि आपके पास भी है तो फिर आप फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म में अपना अकाउंट बनाकर अपने स्किल को GEG के रूप में शेयर करके क्लाइंट प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी कमाई हो सकती है। छठा तरीका है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के द्वारा भी आप घर बैठे ऑनलाइन के द्वारा अच्छी कमाई कर सकते हैं। अभी के समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम आदि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं। यदि इनमें से किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपके फॉलोअर्स अधिक हैं, तो उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा आप एफिलिएट मार्केटिंग करके, स्पॉन्सरशिप के द्वारा प्रोडक्ट बेचकर पैसे कमा सकते हैं। सातवां तरीका है प्रोडक्ट सेल। यदि आप एक प्रोडक्ट निर्माणकर्ता व्यक्ति हैं, या फिर आपके पास किसी प्रकार का प्रोडक्ट है, या डिजिटल प्रोडक्ट जैसे ईबुक आदि है, तो फिर आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन के द्वारा बेचकर भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अभी के समय में यदि किसी व्यक्ति के पास प्रोडक्ट होता है, चाहे वह डिजिटल प्रोडक्ट हो या मामूली प्रोडक्ट हो, तो वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, पिंटरेस्ट आदि के द्वारा अपने प्रोडक्ट को बेचकर कमाई कर सकते हैं। तो यह सारे तरीके ऑनलाइन के द्वारा पैसे कमाने के तरीके हैं। इन सारे तरीकों से आपकी कमाई अच्छी खासी हो सकती है, लेकिन आप जितने पैसे ऑनलाइन तरीके के द्वारा कमा सकते हैं, उतने पैसे आप ऑफलाइन तरीकों के द्वारा नहीं कमा सकते। इसलिए मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी कि आप ऑनलाइन तरीके के द्वारा ही घर बैठे पैसे कमाने की शुरुआत करें, क्योंकि ऑनलाइन तरीके के द्वारा आपकी कमाई लाखों रुपए से भी अधिक हो सकती है।